आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड कार्यालय परिसर में जत्रा टाना भक्तों ने की बैठक। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष बिरसा टाना भगत ने की। इस अवसर पर बैठक में टाना भगत ने सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर गांधी टाना भगत ने कहा कि सरकार ने हम सभी टाना भक्तों को लगान रसीद शून्य राशि से कटाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर टाना भगत ने सरकार से कहा है कि हम लोग एक रुपया देकर ही अपनी लगान की रसीद कटवाएंगे। आज तक हम लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित रखा गया है। पालकोट प्रखंड में किसी भी टाना भगत परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकारी अफसर व जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान नहीं है। प्रखंड में हम लोग विभिन्न गाँव में परेशानियों का दंश झेलने पर मजबूर है। गाँव के लोगों को वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, बिजली, पानी, सड़क, आवास आदि की जरूरत है, लेकिन हम सभी को इन योजनाओं से वंचित रखा जा रखा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम सभी टाना भगत निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। तापकारा, लोधमा, सेजांग, कठर डांड, खड़पानी, बालमदोन, बघिमा, अंबा टोली, डबना पानी, बाजरा, पाहन टोली, कांडेबीरा आदि सहित विभिन्न स्थानों के टाना भगत लोग उपस्थित थे। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। तो हमर नाम है गांधी टाना भगत, सिजांग कठर डांड। तो हम सरकार से घर लेवे चाहिए आवास, तो हमन के आज तक नहीं मिल है। तो हमन के घर कर जरूरत है, तो हमके आवास मिले। और नाम है के बुधेश्वर टाना भगत, मोरगा गांव तपकरा है। और हमारे गांव में पानी कर भरपूर जलकर भंडार है, लेकिन वहां सिंचाई का व्यवस्था नहीं।